देखिए बैठक हो रही है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, बैठक 5 सत्र में होनी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाजपा का भविष्य भारतीय जनता युवा मोर्चा है। आज भाजपा के हर दायित्व को ये पूरा कर रहा है, उत्साह जरूर है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे ये भी पता है कि जैसे नगर निगम की 17 सीटों पर जीत हुई है, वैसे ही लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम आप सभी करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मुझे आज अवसर मिला। सबसे पहले मैंने नगर निगम और विधान परिषद के उपचुनाव में जीत की बधाई दिया है और 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लेकर के चुनाव अभियान में लग जाने के लिए कहा है और आज से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। ये महासंपर्क अभियान 2024 में महाविजय के लिए है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जनता का समर्थन है, गरीब का समर्थन है, किसान का समर्थन है, नौजवान का समर्थन है, महिलाओं का आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में 2019 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए जीतेंगे, यह मेरा भरोसा है।